जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ ऑल राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड। तो आप लोगों को पता होंगे अपने जिला में जिला सैनिक बोर्ड कहाँ पे है, लेकिन राज्य सैनिक बोर्ड कहाँ पे है पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। हर एक स्टेट के राज्य सैनिक बोर्ड, अगर आपकी जिला सैनिक बोर्ड से कोई नहीं सुन रहा है, जॉब के लिए नहीं बता रहा है या नहीं लग रही है, तो आप राज्य सैनिक बोर्ड में जिला सैनिक बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर या AWPO का रजिस्ट्रेशन नंबर राज्य सैनिक बोर्ड में दे सकते हैं, नहीं तो राज्य सैनिक बोर्ड में डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो राज्य सैनिक बोर्ड में जो रजिस्ट्रेशन होगा वो आपको पता होना चाहिए, उनका कहाँ एड्रेस है, क्या डिटेल है, क्या उनका कॉन्टैक्ट नंबर है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। अगर आप जिला सैनिक बोर्ड से परेशान हैं, नहीं जॉब मिल पा रही है, पूर्व सैनिक हैं, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी से संबंधित हो, पूर्व सैनिक हैं, तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत करें उससे पहले बता दें कि हमारे चैनल में जॉब्स रिलेटेड वीडियो मिलते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरुआत करें, आंध्र प्रदेश का राज्य सैनिक बोर्ड कहाँ पे है। अगर आप जिला सैनिक बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराया है तो आंध्र प्रदेश के राज्य सैनिक बोर्ड में आपका ये डिटेल दिया है। नंबर ऑफ जिला सैनिक बोर्ड का नंबर 13वां नंबर है। इसके बाद इसका एड्रेस दिया है डायरेक्ट आंध्र प्रदेश का डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर आंध्र प्रदेश। इसके बाद हाउस नंबर 32 ये पूरा दिया हुआ है, ये नोट कर लें जो भी आंध्र प्रदेश के हैं और इधर आप रजिस्ट्रेशन करा लें, इसमें जॉब के पक्के चांस हैं जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं। इसके बाद नियर शिव लायन शिवालयम, इसके बाद मोगल राजपुरम विजयवाड़ा, और इनका पूरा एड्रेस दिया हुआ है, इनके टेलीफोन नंबर हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं, इससे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, आप कॉन्टैक्ट नंबर नोट करके रखें। इसके बाद बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश का राज्य सैनिक बोर्ड कहाँ है। तो अरुणाचल प्रदेश के राज्य सैनिक बोर्ड का एड्रेस ये है डायरेक्टरेट डिसास्टर मैनेजमेंट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश न्यू ईटानगर। तो ये एड्रेस है, आप इधर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें अगर जॉब नहीं मिल पा रही है जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू, क्योंकि जिला सैनिक बोर्ड आपको बेवकूफ़ बनाता रहेगा और कहीं जॉब के लिए आपको नहीं देगा। तो जब तक जिला सैनिक बोर्ड आपको आगे राज्य सैनिक बोर्ड में फॉरवर्ड नाम नहीं करेगा, तब तक आपकी जॉब आपको जॉब बहुत मुश्किल है मिलना। तो इसलिए आपको करना क्या है, राज्य सैनिक बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करा लें, नहीं तो रजिस्ट्रेशन नंबर जिला सैनिक बोर्ड का आप लेके चले जाएँ। इसके बाद ये उनका मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आसाम के जो भी एक्स सर्विसमैन हैं, आसाम का एक्स सर्विसमैन का जिला सैनिक बोर्ड का कॉन्टैक्ट नंबर है और एड्रेस भी दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है पूरा आप नोट कर लें। और आसाम के जो भी रहने वाले हैं वो इधर रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें अगर आप जॉब पाना चाहते हैं एक्स सर्विसमैन हैं। तो पूरा एड्रेस दिया है लचित नगर गुवाहाटी 7, ये पूरा दिया है आसाम के लोगों के लिए। इसके बाद बिहार के कई लोग कमेंट करते हैं, बिहार का राज्य सैनिक बोर्ड या पूर्व सैनिक कल्याण निगम कहाँ है, तो ये एड्रेस है बिहार का डायरेक्टरेट सैनिक कल्याण निदेशालय मेन सेक्रेटरेट ब्लॉक 2 सेकंड फ्लोर बिहार पटना। तो इनका ये दिया है और इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है 0612221703 और मोबाइल नंबर भी है, मोबाइल से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये बिहार का था। बिहार के बाद अभी बात करेंगे जो जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू जॉब मिलती है वो राज्य सैनिक बोर्ड रेफर में रेफर किया जाता है, ध्यान रखें। इसके बाद बात करेंगे छत्तीसगढ़ का भी एड्रेस दिया हुआ है डायरेक्टरेट ऑफ सैनिक वेलफेयर शास्त्री चौक नियर CMO ऑफिस रायपुर छत्तीसगढ़। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं ऑफिस, ये भी 3-4 कॉन्टैक्ट नंबर हैं, मोबाइल नंबर भी दिया है, आप किसी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको
इनके ऑफिस में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उधर आपको सारा फॉर्म फिलअप करके और इसके बाद जो अपनी डिस्चार्ज बुक की फोटोकॉपी भी जमा करनी पड़ती है, पीपीओ ऑर्डर भी जमा करना पड़ता है। इसके बाद गोवा का भी दिया हुआ है, गोवा का सेक्रेटरेट डिपार्टमेंट ऑफ सैनिक वेलफेयर कलेक्ट्रेट बिल्डिंग पणजी, पणजी में है इसका हेडक्वार्टर। तो जो भी गोवा के हैं वो भी अपना इधर रजिस्ट्रेशन करा लें। इसके बाद बात करेंगे गुजरात का, तो कई गुजरात के एक्स सर्विसमैन भाई बोलते हैं कि हमारा गुजरात का कहाँ पे है, तो गुजरात का अहमदाबाद में है, उसका एड्रेस ये दिया हुआ है, डायरेक्टरेट ऑफ सैनिक वेलफेयर एंड रीसेटलमेंट गुजरात स्टेट, गौरव सेनानी भवन, साहिबा बंग एयरपोर्ट रोड्स, साहिबा बंग अहमदाबाद। इसके बाद उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं, तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हरियाणा का कहाँ है राज्य सैनिक बोर्ड, तो हरियाणा का नोट कर लें, ये दिया है एड्रेस हरियाणा का, सैनिक एंड अरुण सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, रूम नंबर 67, फोर्थ फ्लोर, हरियाणा सिविल सेक्रेटरेट, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में हरियाणा का है, हरियाणा का है, वो चंडीगढ़ की इस एड्रेस पे अपना जाके रजिस्ट्रेशन करा लें। उनका मोबाइल नंबर भी दिया है, तो इससे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट आ जाता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो एड्रेस है वो भी दिया हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश के जो भी हैं वो इससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश वाले डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट ऑफ सैनिक वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हमीरपुर में है इनका हेड ऑफिस। तो ध्यान रखें जो भी हिमाचल प्रदेश के हैं वो इसमें रजिस्ट्रेशन करा लें, ये कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, तो ये ध्यान रखें, पूरा एड्रेस दिया हुआ है। इसके बाद झारखंड के जो भी हैं तो झारखंड वाले भी एड्रेस दिया हुआ है, झारखंड वाले देख लें, डायरेक्टरेट सैनिक कल्याण निदेशालय रांची झारखंड, उनका मोबाइल नंबर भी दिया है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इससे। इसके बाद कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भी है डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट ऑफ सैनिक वेलफेयर एंड रीसेटलमेंट, इसमें पूरा एड्रेस दिया है, तो बेंगलोर में है, जो भी कर्नाटक में अप्लाई इसमें रजिस्ट्रेशन करें बेंगलोर में है, इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे केरला, केरला स्टेट का भी है, तो केरला स्टेट के जो भी पूर्व सैनिक हैं भूतपूर्व सैनिक वो भी इसमें एड्रेस में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। विकास भवन तिरुवनंतपुरम, पिन कोड नंबर दिया है और कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया है, तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के पूर्व सैनिक जो भी हैं भूतपूर्व सैनिक वो भी इसमें रजिस्ट्रेशन करा लें, डायरेक्टरेट डिप्टी ऑफ सैनिक वेलफेयर साउथर्न शॉपिंग सेंटर गुरु तेग बहादुर कॉम्प्लेक्स टीटी नगर न्यू मार्केट भोपाल में है, तो भोपाल में इधर आप जाके रजिस्ट्रेशन करा लें जो भी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के बाद बारी नंबर आता है महाराष्ट्र, जो भी महाराष्ट्र के हैं भूतपूर्व सैनिक अगर उनको जॉब नहीं मिल रही है तो आप राज्य सैनिक बोर्ड में जाके रजिस्ट्रेशन करा लें। उनका एड्रेस है डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट ऑफ सैनिक वेलफेयर महाराष्ट्र स्टेट रायगढ़ बिल्डिंग नेशनल वार मेमोरियल सोलापुर, और इनका पुणे में ऑफिस है, तो ये ध्यान रखें पुणे में जाके अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, इसके थ्रू कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे मणिपुर, तो मणिपुर के जो भी लोग हैं मणिपुर राज्य के वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। उनका एड्रेस है सेक्रेटरी राज्य सैनिक बोर्ड सैनिक रेस्ट हाउस, इसके बाद लम्फेल पुलिस स्टेशन पीओ लम्फेल मणिपुर, तो मणिपुर वाले अपना इधर जाके कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें अगर जॉब पानी है आपको, क्योंकि जिला सैनिक बोर्ड किसी की कुछ नहीं सुनता है। कई फौजी ऐसे हैं बस सिर्फ जिला सैनिक बोर्ड जाके
और बैठ जाते हैं, सोच रहे हैं कि नौकरी मिल जाएगी, तो बिल्कुल उनका एक गलत फहमी है। जिला सैनिक बोर्ड बहुत ही समझ लो मुश्किल है, अगर नौकरी मिल जाए, नौकरी भी मिलेगी भी तो बहुत आपको आगे पीछे घूमना पड़ेगा, और पैसे ऐसे भी मांगते हैं, ऐसे हमने सुना भी है। तो इसलिए बता रहे हैं, जो भी राज्य सैनिक बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, उन्होंने जरूर करा लेना है। राज्य सैनिक बोर्ड में उनके थ्रू आपको जॉब, एक वो लिस्ट हर महीने निकालते हैं, उसकी लिस्ट में हर महीने अपलोड करता हूँ, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो लिस्ट आप देख लेना, जिसने जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया उनका नाम आया या किस सीनियरिटी पे नाम है वो भी दिख जाएगा। तो ध्यान रखें, जो भी राज्य सैनिक बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराए वो जरूर करा ले। आगे के जितने स्टेट बचे हुए हैं उन स्टेटों का अगला वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए मैं आधे स्टेटों को बना दिया। आधे स्टेट का अगला वीडियो होगा, तो पार्ट 2 में मिलेगा वो वीडियो। तो इसलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी जॉब्स रिलेटेड वीडियो मिलने वाले हैं। थैंक यू। जय।